नागपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाए गए एक मूक बधिर लड़के को 6 साल बाद उसकी मां को सौंप दिया गया, जब उसके पैतृक गांव और उसके माता पिता का आधार कार्ड तैयार करते समय पता लगाया गया। इस मूक बधिर लड़के का नाम सोचन कुमार बालम यादव है। एक अनाथ मूक बधिर बालक 6 वर्ष बाद अपनी माँ के पास लौटा। वो वर्तमान में एक सरकारी अनाथालय में रह रहा था। 2016 में सोचन कुमार को रेलवे पुलिस ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाया था। वो बहरा और गूंगा है। उसे 1 वर्ष के बाद शंकरनगर चौक के बधिर विद्यालय और फिर 16 अक्टूबर 2018 को रुकेश्वर के बधिर विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में वे राजकीय बाल गृह पाटनकर चौक नागपुर में रह रहा है। यहाँ बच्चे के आधार कार्ड तैयार किए जा रहे थे, लेकिन सोचन कुमार का कार्ड नहीं बन रहा था, तो संगठन ने आधार कार्ड सेवा केंद्र मनकापुर के प्रबंधक कैप्टन अनिल मराठे से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि बच्चे का आधार कार्ड पहले बना होगा, इसलिए नहीं बन रहा है, इसलिए हाथ के निशान वाला नया आधार कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।